नमस्कार दोस्तों, डीके टाइल्स में स्वागत है। दोस्तों आज फ्लोरिंग के बारे में, टाइल्स के बारे में बताएंगे। जो आप ये देख रहे हो, ये टाइल्स 2x2 की टाइल्स लगाई हुई है। और कैसी टाइल्स लगवाना चाहिए, आप 2x2 की 2x टाइल्स भी लगवा सकते हो और मीटर बाई मीटर की टाइल्स लगवा सकते हो। तो कितने रुपये तक की टाइल्स पड़ती हैं और क्या खर्चा रहता है, तो आज वीडियो में देखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों हमारा वीडियो पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों ये जो टाइल्स देख रहे हो आप, ये 2x2 की टाइल्स हैं और ये बाज़ार में कहीं भी 35-40 स्क्वायर फीट के बीच में मिल जाती है। इसकी लंबाई चौड़ाई आप देख सकते हो, आपके घर में इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई कर सकते हो, आपका पुट एरिया निकल जाएगा। एक रूम में कितना खर्चा आता है, ये टाइल्स किस प्रकार से लगवाने चाहिए। दोस्तों टाइल्स हमने इसमें 3 mm की जगह छोड़ के केमिकल वाली टाइल्स लगाई हुई है, जो 3 mm की जगह छोड़ के ऐसा ग्रुप ये भरा हुआ है। ऐसा भर के ग्रुप लगवाओगे तो बहुत ही बढ़िया प्यारी लगेगी। और दोस्तों ये सफाई थोड़ा बाकी है और ये टाइल्स 2x2 की है और आप 32x32 की टाइल्स लगवा सकते हो, कॉस्ट आपके ऊपर रहेगा। अगर बजट अच्छा हो तो बड़ी वाली टाइल्स भी लगवा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर 2x2 की टाइल्स लगाई हुई है और शानदार टाइल्स लगती है, केमिकल करके लगाते हैं वो जगह छोड़ के। और कभी कोई टाइल्स ख़राब हो जाए, एक इसका इश्यू ऐसा है 3 mm की जगह छोड़ के लगाने का कि टाइल्स कभी ख़राब हो जाती है तो वो निकालने में आसानी रहती है। एक टाइल्स निकाल के दूसरी बाद उसके पास वाली टाइल्स टूटेगी नहीं, इस प्रकार से आप टाइल्स का कोई टूट फूट भी हो जाए तो निकाल भी सकते हो। दोस्तों इसमें हमने 3 इंच का बॉर्डर भी लगाया है, आप देख सकते हो बहुत ही शानदार 3 इंच का बॉर्डर और 4 इंच का बॉर्डर भी लगवा सकते हो, तो उसमें बढ़िया भी लगेगा। दोस्तों ऐसी टाइल्स लगाने की मजदूरी भी अलग अलग राज्य में अलग अलग चलती है। यहाँ पर हम काम करें जहाँ 25-30 रुपये के स्क्वायर फीट का बजट रहता है इधर, और ये 38-40 रुपये के आसपास की टाइल्स डबल चार्ज की टाइल है, आप देख सकते हो ये बाहर का एरिया है। दोस्तों मेन रूम में अपने मेन जो दरवाज़ा होता है वहाँ लाल पत्थर लगाया हुआ है, और कभी भी मेन आगे का चौपाट डाउन रखवाना इतना पत्थर जितना, क्योंकि बारिश का पानी कभी आता है तो बाहर निकल जाए और अंदर रूम में ना जाए, इसलिए आप बाहर का जो भी एरिया आता है वो डाउन करके लगवा सकते हो पत्थर जितना, और उसको मोल्डिंग करवा सकते हो।